Hello friends, welcome to my channel Woodofa. This is your host and host Shashank Jain. आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपने एक वीडियो देखा है What is Italian Marble? आज मैं दोबारा विकास को अपने साथ लेके आया हूँ और मुझे विकास से समझना है कितने टाइप के इटालियन मार्बल हैं. आर यू एक्साइटेड टू वॉच विकास? Hi Shashank, how are you? I am super excited to understand what are the different types of Italian marble. आज विकास हमारे को सब बताने वाले हैं, बट विकास को मैं तब बताने दूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दीजिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो. थैंक यू सो मच. विकास आप बताएं कि इटालियन मार्बल हमने समझा दिया, आपने बता दिया, अब कितने टाइप के हैं? See, it is very, very, very wide range, my friends. It is more than 500 colors and 500 patterns. More than 500 patterns it is available in the name of imported marble. My God. So guys, 500 patterns. The list is never ending. It will never end. Not today. And I'm sure you're super excited to tell of everything. Course, of course. पर मैं सारे बोलने को नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए 15-20 कॉमन टाइप जो जनरली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उनके बारे में बताएं और उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं उनके बारे में बताएं. देखिए, बेसिकली अगर इंपोर्टेड मार्बल की बात करें तो वी कैटेगराइज इन फोर डिफरेंट कलर्स. ओके. और फोर डिफरेंट वैरायटीज, वन इन वाइट जिसमें सारे वाइट आ गए, ठीक है. वन सिलेक्शन इज ग्रे, ग्रेज, ओके, सारे ग्रे आ गए. ओके. वन सिलेक्शन इज बेज, बेज, ओके, यहाँ पे सारे बेज कलर आ गए. ओके. एंड वन सिलेक्शन इज कलरफुल आइटम, ओके, यहाँ पे रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक वो सब आ गए वगैरह. एक और आइटम है ऑनेक्स, ऑनेक्स, राइट, यहाँ पे सारे ऑनेक्स आ गए. ओके. तो ये पांच तरीके की एक वैरायटी है जिसको कि एक आर्किटेक्ट ने एक फॉर्मेट बना रखा है कि जहाँ सपोज कीजिए प्रीमियम हाउसेज हैं, मतलब बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड अबव एवरीथिंग. यहाँ लगा हुआ है सतवारियो? मतलब या सैंड ब्लास्टिंग फिनिश का मतलब एक मार्बल के ऊपर एक्सटर्नल एलिमेंट्स के थ्रू उसकी फिनिश को या तो रफ कर दिया जाता है या ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं. तो दैट इज व्हाट विकास इज टॉकिंग अबाउट. सतवारी हो गया, उसके बाद करारा हो गया, उसके बाद वेनेटिनो हो गया, उसके बाद बेल्जियम वाइट हो गया, वियतनाम वाइट हो गया, ब्रॉन्ज सतवारी हो गया, गोल्डन स्पाइडर हो गया, ओके, गोल्डन सतवारी हो गया. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट्स. सो जनरली गाइस, वाइट हो गया, ओके. सो जनरली गाइस, जो विकास ने बताए कि 8 या 10 तरीके के पत्थर हैं जिसको वाइट की कैटेगरी में बोला जाता है, जनरली विकास इसकी रेंज क्या होगी वाइट्स की? वाइट की जो रेंज स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम 600, ओके, एंड द लिस्ट इज यू नो Endless. If you're talking about white marble, और आपके दिमाग में अगर white Italian marble लगाने का है, चाहे वो वियतनाम वाइट लगाएं या गोल्डन स्पाइडर लगाएं या सतवारियो लगाएं, सोच के चलिएगा अगर 600 रुपीज प्लस ही उसकी रेंज है और वहीं से वो शुरू होगा. करेक्ट. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी, व्हाट विकास वाज टॉकिंग अबाउट, ग्रेज. या द सेकंड वैरायटी इज ग्रे. अब ग्रे में भी यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल है. प्राडा ग्रे, Versace grey, you know, all are now, all greys are by the name of brand. Burberry grey, grey Versace, grey Milano. So there, again there are, you know, endless numbers of grey. Greys. This is again grey. This is grey. This is grey. That is grey. This is grey William. Yeah, yeah, all are greys. Everything is grey. Okay. So guys, grays may be, as Vikas said, is more than 10 different colors. और ग्रे के अंदर भी बहुत सारे नाम हैं. इसकी रेंज क्या होगी विकास ग्रे की? Again, the, you know, the range start from 200 and 200 to 500. So generally जो ग्रे इटालियन है वो जनरली 200 से 600, 500 की कैटेगरी में आता है. तो करीबन आप सोचें कि उन्होंने एवरेज 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट में हमें एक अच्छा ग्रे इटालियन मिल जाएगा. Versace beige, you know, again the list is
Huge. So guys, जो ये beige की हम बात कर रहे हैं, beige और brown की वो similar category और fashions हैं. So आप उसको different, ये सबसे ज़्यादा common Italian marble है, जो आपको हर hotel में, आपको हर basic दुकानदार के पास तो मिलेगा ही मिलेगा. जो भी Italian का काम करता है मेरे ख्याल से इंडिया में, उसके पास ये बेज कलर तो जरूर मिलते ही हैं. वंडरफुल. सो गाइज, अगर आप अपना घर एक इटालियन मार्बल से डेकोरेट करना चाहते हैं और उसके फ्लोरिंग पे वो लगाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेसिक और कॉमन एलिमेंट है. अगर आपका बजट थोड़ा अफोर्डेबल है, इसकी रेंज कैटेगरी क्या हो सकती है? सो गाइज, तो बेज की कैटेगरी की रेंज भी वही 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 500-600 रुपये स्क्वायर फीट तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का बेज या ब्राउन ले रहे हैं, क्या क्वालिटी है. Because you know, end of the day, it all depends upon the quality. Quality. जो चीज आपका बजट है, उस बजट के हिसाब से we can give you the best. Best, absolutely, wonderful. So ये third category की हम बात कर रहे थे, which was the beige. Now let's talk about the fourth category, which is your onyx. Yeah, see, the onyx are by the name of only onyx. So the onyx में again, what is the benefit? It is not laying on the floor. Okay. But it is laid on the walls. And it can be backlit. Oh yes. And it looks very premium after laying. So guys, ये onyx भी कुछ कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन जैसा ही होता है. सो हमने एक वीडियो में, मैंने और विकास ने सेमी प्रेशियस स्टोन के बारे में भी बात करा है, तो आपको ऊपर अभी डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर ब्लॉक में लिखा मिल जाएगा. सो ये भी एक अच्छा डेकोरेटिव स्टोन है, जिसकी रेंज अगेन आई थिंक 800 रुपीज प्लस स्टार्ट होती है, 800 से लेके 3000 रुपीज तक का ये onyx मार्बल हमें मिल जाता है. एंड उसकी कैटेगरी रेंज भी वही है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ कैटेगरी, विच इज द कलरफुल स्टोन्स. यहाँ पर कुछ लगे हुए कलर्स. रेड ट्रमेटाइल. ओके. और यू कैन सी रेड एलिकांते. ओके. रेड फायर. वेरी गुड. सो दीज आर द अलग अनदर गोल्डन गोल्डन पोथ्रो. ओके. दीज आर द डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्ड मटेरियल. कलर्ड मटेरियल. सो इसके अंदर ब्लैक्स भी हैं. ब्लैक्स भी हैं, डार्क ग्रे हैं. ओके. एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो गाइज, ये एक बहुत ही अच्छा पत्थर है, जो कि होटल्स में, सेवन स्टार्स में, फाइव स्टार्स में, काउंटर्स में, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन योर बाथरूम वॉशरूम. सो गाइज, अगर आपका बजट एक अपर साइड पे और आप अपना घर एक एक्सक्लूसिव घर बना रहे हैं, वेयर इज योर आर्किटेक्ट मस्ट बी सजेस्टिंग इट, योर इंटीरियर डिजाइनर मस्ट बी सजेस्टिंग दिस, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप ये डार्क कलर का पत्थर लगाएं. डेफिनेटली आपके घर की लुक दोगुनी हो जाएगी. वन एंड सेकेंड इज बाथरूम्स विल लुक वेरी एक्सक्लूसिव. तो ये डार्क जो पत्थर है, ज्यादातर मतलब बाथरूम्स में ही यूज होता है, या फिर कोई एक अच्छी वॉल गैलरी पे, या कोई एक अच्छी वॉल पे, वहीं इसे यूज किया जाता है. इसकी रेंज भी अराउंड सेम रेंज है फ्रॉम 300 to 800 के बीच में मिल जाता है. सो ऑन एन एवरेज गाइज, ये भी 300 से 800 के बीच में पत्थर मिल जाता है. सो हमने अब इस वीडियो में आपको 5 कैटेगरीज के पत्थर बताए इटालियन के. बहुत ही अच्छे से विकास ने उसे कलर बाय कलर डिवाइड कर दिया. कोई भी आदमी आपको किसी भी नाम से कंफ्यूज करे, आपको सिंपल ये कैटेगरी का याद रखना है कि मेरे को व्हाइट पत्थर लेना है, बेज लेना है, ग्रे लेना है, कलरफुल लेना है, या ऑनिक्स लेना है. अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है, तो आप इजीली अपना पत्थर प्रोक्योर कर सकते हैं. वंडरफुल. थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड. आई एम वेरी थैंकफुल टू विकास फॉर बींग हेयर इन द वीडियो. विकास ने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, एंड ही इज हेयर. थैंक यू सो मच. सो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हम दोनों ने थोड़ी मेहनत करी, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए. सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपको अपने वीडियो के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. My pleasure.